देखिए क्लास 9 में नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ यूएलजी जो मैंने लिखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन देखिए, इसके कुछ एप्लीकेशन हम ध्यान में रख सकते हैं। देखिए नंबर 1 ग्रेविटेशन फोर्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। ओके ये जो भी हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में है ये किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता था? जिसमें बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से किसी सेंटर के चारों तरफ ऐसा यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती रहती थी। किससे? यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होती थी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये सेंटर में देखिए सन है और ये देखिए ये बॉडी है, कोई प्लैनेट है, अर्थ है सपोज, ये ऐसा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी को तो हम किससे दिखाते थे? टेंजेंट से। ठीक है, तो इस पल वेलोसिटी कैसे इस डायरेक्शन में रहना चाहती है? ये घूम के यहां आया, इस पल वेलोसिटी कहां रहना चाहती है? इधर इस डायरेक्शन में। ठीक है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट। ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया है तो उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता। ठीक है ना, तो ये जो ऐसा जाना चाहता है और इधर पहुंचा तो ये ऐसा जाना चाहता है, तो ये ऐसा ऐसा क्यों घूमता है? तो इसका आंसर है कि हर पल इस पे परपेंडिकुलर एक फोर्स किधर लगता है? अंदर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीपेडल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंटीपेडल फोर्स। ओके, और देखिए सेंटीपेडल फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने डिस्कस किया था, ये कोई नया फोर्स नहीं है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है। बताया था मैंने ये सिस्टम का ही फोर्स होता है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? तो आंसर है यहाँ पर अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वही ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा काम करता है? सेंटीपेडल फोर्स जैसा। ओके, तो याद रखिए जो अर्थ है साथ सर्कुलर मोशन कर रही है, वैसे तो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं करती, वो इलेक्ट्रिकल पाथ में करती है, भी हम देखेंगे कैपलर्स लॉ में, बट फिर भी हम अभी के लिए इसको सर्कुलर मान के ऐसा चलते हैं। तो अंदर की तरफ एक क्या लगता है? फोर्स, सेंटीपेडल फोर्स। और वो सेंटीपेडल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, कौन होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स, सिस्टम का ही फोर्स होता है। सिस्टम यहाँ किससे मिलके बना है? सन और अर्थ से। तो सन और अर्थ के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही किसका काम करता है? सेंटीपेडल फोर्स का। इसलिए अर्थ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती रहती है। देखिए यही मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स B/W का मतलब बिटवीन द सन एंड द अर्थ व्हिच कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अराउंड द सन। पॉइंट नंबर 2, द टाइड्स। टाइड्स आपने सुने, समुद्र में ऐसा जो पानी उठता है ऊपर बहुत तेजी से और नीचे गिरता है। ठीक है, ये जो टाइड्स हैं ये किसके कारण आते हैं? देखिए जो टाइड है मतलब जो पानी ऐसा उठता है, ज्वार भाटा आपने सुना होगा हिंदी में, ये लहर। ठीक है, तो ऐसे ये जो टाइड आता है, देखिए वाटर भी क्या एक तरीके का, वाटर में मास है कि नहीं है बताइए? है, और ओशियंस बहुत बड़े बड़े होते हैं तो मास की वैल्यू वहां बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए उस वाटर के मास पे, सी के जो सरफेस पे जो वाटर है, उस वाटर पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। किसके द्वारा? सन और मून के द्वारा। किसके द्वारा? सन और मून के द्वारा एक फोर्स लगता है ऐसा। और हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव। क्या होता है? अट्रैक्टिव। तो वो ऐसा उठाता है वाटर बॉडी को ऊपर, वो ऊपर आती है। ठीक है, और फिर वापस कहां जाती है? नीचे। ठीक है, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, किस टाइम पे सन और मून के फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, तब वो ऐसा ऊपर उठता है, अदरवाइज वो नीचे जाता है। तो द टाइड्स इन द सी फॉर्म बाय द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द सी आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच द मून एंड द सन एग्जर्ट्स ऑन द वाटर सरफेस इन द सी। ओके, ये कुछ एप्लीकेशंस है। उसके बाद यूनिफॉर्म लॉ ऑफ यूनिवर्सल यूएलजी, मतलब आप पूरा लिखिएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मासेस ऑफ द सन द अर्थ एंड द मून एक्यूरेटली। ओके, इस यूएलजी की हेल्प से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम मून का, सन और अर्थ का मास फाइंड कर सकते हैं एक्यूरेटली। कैसे फाइंड करना है हम सीनियर क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, बट इस लॉ की हेल्प से हम सन, अर्थ और मून जैसी बॉडीज का
क्या फाइंड कर सकते हैं? मास। ओके, इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्कवरिंग न्यू स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ये भी नोट कर लीजिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्कवरिंग न्यू स्टार्स एंड प्लैनेट। ओके, अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आएगा, बट आप याद रखिए न्यू प्लैनेट्स और स्टार्स को डिस्कवर करने में भी यूएलजी मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प करता है। ये कुछ एप्लीकेशन थे। अच्छा, इसके बाद आइए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए इस टॉपिक में हम क्या समझने वाले हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्लिक, इसी को मैं नाम दे सकता हूं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। आइए जरा इसके बारे में स्टडी करते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए जब कोई बॉडी ऐसे आप देख रहे हैं, ये देखिए ठीक अर्थ में इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट। देखिए लेकिन कल हमको रूल पढ़ाया गया था, फॉर्मूला हमको बताया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, F is equals to capital G, M1, इस बॉल से लिख लेते हैं, M1 upon R square, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला हमको पढ़ाया गया था, इसमें तो हमको ये बताया गया था कि भाई ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, मतलब अर्थ जितना फोर्स इस पेन पे लगाएगी ये पेन भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाएगी, तो अर्थ इसकी तरफ क्यों नहीं खींच जाती है? ये देखिए है बात कि नहीं, ये देखिए भाई ये भी तो अर्थ को उतनी फोर्स से खींच रहा है, तो अर्थ इसकी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो जाती है? तो सुनिए इसको मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ, इसको मैं किस तरीके से समझा सकता हूँ उसको देखिए। सबसे पहले मैं इसको समझाना चाहता हूँ because earth has large inertia, earth का mass कैसा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो earth का inertia कैसा होगा बहुत ज्यादा, जो भी inertia है उसका inertia of motion तो है ही, no doubt, जो ऐसे चल रही है sun के चारों तरफ, ठीक है, but अभी आपको कैसी लग रही है, रुकी हुई, ठीक है ना। बहरहाल तो हम बोल सकते हैं अर्थ का इनर्शिया क्या है, बहुत ज्यादा इनर्शिया, याद है ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, ठीक है। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसका इनर्शिया भी क्या है, बहुत ज्यादा है, और वो इस पेन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, वो अपनी पोजिशन नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा कारण नहीं अगर हमें लग रहा हो तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं, देखिए द ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव, नोट कर लेते हैं इसको, द ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव कौन सा ऑब्जेक्ट, ये जो पेन गिर रहा था आपने अभी देखा, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव, इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, इट स्टार्ट्स मूविंग, अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूं, इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ बट अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज, बट अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स because of its large inertia
does not, because of this last large inertia, does not moves towards the object, does not moves towards the समझ में आया आपको कि अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट होती इस पेन से? उसका मास बहुत ज्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या है? लास्ट चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। दूसरे तरीके से किस तरीके से समझाता हूँ मैं इसको, देखिए। देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने क्या पढ़ा है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना? देखिए, एक बात तो आपको पता है, और अभी हालांकि हम उसे फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट फिर भी अभी के लिए आप देखिए, जो ये ऐसे करके फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट हो रहा है, इस पे एक्सेलरेशन कितना लगता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है आपको? उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हालांकि अभी हम उसे डिस्कस भी करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा हमने देखा था, ठीक। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू इस पेन पर कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। नाउ अगर हम लोग ध्यान से देखें, और यहां से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, ठीक है ना, देखिए एक्सेलरेशन क्या आ गया? 4 बाय मास आ गया। लेकिन देखिए, फोर्स तो कांस्टेंट हो गया यहां पर। फोर्स कैसे कांस्टेंट हो गया? कल हमने पढ़ा था कि भाई फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाती है, दूसरा भी पहले पे ही उतना फोर्स लगाती है, और ये फोर्स कौन से नेचर का होता है? अट्रैक्टिव। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या हो गया? कांस्टेंट। ये फोर्स क्या हो गया? मतलब ये फोर्स नहीं चेंज कर रहा है। देखिए, ये अर्थ है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। जितने फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही, उतने फोर्स से ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब देखिए, जिसका मास ज्यादा होगा वो एक्सेलरेट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इनवर्सली रिलेशन समझते ना, क्यों भाई? इनवर्सली रिलेशन पता है? अगर ये इनवर्सली है कि नहीं है? जब भी 1/1 में चलता है, a is inversely proportional to क्या बोलेंगे? m। a is inversely proportional to m। अगर मास बढ़ेगा तो acceleration घटेगा। तो किसी दिए गए फोर्स के लिए, दिए गए फोर्स मतलब इन दोनों के बीच में जितना भी फोर्स लग रहा है, ठीक, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट होगी, और जिसका मास कम होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट होगी। तो बताइए, किसका मास ज्यादा है दोनों में से? अर्थ का। अर्थ का मास ज्यादा क्या? बहुत ज्यादा है। तो अर्थ बहुत कम क्या होगी? एक्सेलरेट। तो हम रीजन लिख सकते हैं, सिंस मास ऑफ अर्थ इज लार्ज, देयरफॉर अर्थ विल नॉट एक्सेलरेट, ओके। भाई इसका वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू टेंड्स टू क्या हो जाएगी? जीरो। लगभग कितना एक्सेलरेशन आता होगा अर्थ में? जीरो। तो जब किसी बॉडी, जब उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं आ रहा है, तो वो अपनी वेलोसिटी में चेंज कैसे? ये देखिए, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही कि नहीं? यू देखिए क्या है? जीरो। अब वेलोसिटी बढ़ी कि नहीं? कैसे बढ़ी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, याद है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, ओके, ठीक है। यहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं पेन की बात करूं, पेन में क्या होगा? मास ऑफ ओ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ये जो पेन था मेरे पास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। अच्छा, अब इसको हम एक वैल्यू से लेके करना चाहते हैं। देखिए, इसको हम एक वैल्यू से किस तरीके से लेके करना चाहते हैं? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए,
वन किलोग्राम की अगर आप बॉडी लेते हैं, सपोज ये 1 किलोग्राम का है, इसको मैंने ऐसा छोड़ा, ये कितने एक्सेलरेशन से गिरता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, 1 किलोग्राम की बॉडी जो होगी उसपे एक्सेलरेशन कितना लगेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट उसी के ऑपोजिट अगर आप अर्थ का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे दिए गए फोर्स के लिए, ओके, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 1.63 × 10⁻²⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे अगर ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1 किलोग्राम है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, इसका एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहीं पर आप अर्थ का एक्सेलरेशन देखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ये बस डेटा मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे चीजें, अर्थ का एक्सेलरेशन होता है किसके टुवर्ड्स, 1 किलोग्राम की बॉडी के टुवर्ड्स। 1 किलोग्राम की बॉडी अर्थ के सेंटर पे कितने एक्सेलरेशन से आएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका मीनिंग मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था, इसका मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होना। तो इसकी वेलोसिटी कौन किस रेट से बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये इसका मीनिंग है। बल्कि यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज 1.63 × 10⁻²⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थ पेन की तरफ कितने एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट होगी? हाँ, और जब तक अट्रैक्ट होगी तब तक तो पेन कहाँ आ जाएगा? नीचे। ठीक है, दोनों ऐसा कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। बहरहाल ये वैल्यू कितनी है? बहुत छोटी। इसको अगर आप यहां से हटाएंगे, 10⁻²⁴ को कहां ले जाएंगे? नीचे, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.00000000, ऐसा चलता जाएगा, फिर लास्ट में 163 आएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर, जिसका वैल्यू लगभग किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन क्या है? नेग्लिजिबल हम बोल सकते हैं। यही रीजन है कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। दो रीजन हमने दिए, एक तो हमने किससे समझाया? इनर्शिया से, और दूसरा हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के दिखाया। कैसे बताया? कि दिए गए कांस्टेंट फोर्स के लिए जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट होगी, और जिसका मास कम होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट होगी। यही रीजन है कम मास वाली बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट हो जाती है। और अर्थ का एक्सेलरेशन देखिए कितना कम होता है, लगभग किसके टुवर्ड्स? 1 किलोग्राम की मास के बॉडी के टुवर्ड्स। इसलिए वो हमको चलती हुई नजर नहीं आती इस पेन की तरफ, या 1 किलोग्राम की जो बॉडी है उसकी तरफ। ओके, ये हो गया। उसके बाद आइए अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये रख कर दूं मैं। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब तो हमको पता ही है, वेलोसिटी में क्या होना? चेंज। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना, और डिसेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए इसमें गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने डिफरेंट मास और डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स की बॉडी को साइमल्टेनियसली, ये देखिए, एक ही साथ वैक्यूम में, वैक्यूम समझते हैं जहां एयर भी ना हो, एक ही साथ वैक्यूम में ऐसा फ्री फॉल कराया, तो वो क्या देखते थे? फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्या क्या किया बताइए? बॉडीज ली, उनके मास क्या थे? डिफरेंट, साइज, शेप, सब कुछ क्या थे? डिफरेंट। ओके, और वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, और सेम हाइट से अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी उन्होंने ऐसा फॉल कराया, वो क्या देखते थे? सारी बॉडीज सेम टाइम पे पहुंचती थी,
सेम हाइट से अगर हमने उसको छोड़ा है तो अर्थ के सरफेस पे वो सेम टाइम पे पहुंचती थी। ओके, इसका मतलब क्या है कि सभी बॉडीज सेम डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। और ये देखा गया इस एक्सपेरिमेंट में कि ये जो बॉडी ऐसा फ्रीली फॉल कर रही है वैक्यूम में, इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है और एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। ओके, और इस टाइप की जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंडर में आती है। ओके, तो देखिए क्या क्या बातें हमें पता चली। ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होंगी, ठीक है, इनका जो वेलोसिटी का रेट है वो कैसे इंक्रीज होता है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डज नॉट velocity of freely falling body does not remains constant। सुनिए इसका क्या मतलब है does not remains constant। इधर ध्यान से देखिए, इसको मैंने ऐसे गिराया, आप सबको पता है कि इस पे acceleration कितना लग रहा होगा, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है, 9.8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ती होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि बताइए एक सेकेंड के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या कॉन्स्टेंट रहेगी, बढ़ गई होगी, और हर सेकंड कितनी बढ़ती है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो बताइए एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। ये जीरो टाइम है, क्यों कैलकुलेट भी नहीं करना आता है आप लोगों को, हाँ? ये ऐसा गिरा, एक सेकंड में जीरो से बढ़कर कितनी हो जाएगी, और अगले एक सेकंड में फिर से 9.8 बढ़ेगी, तो ऐड कर देंगे दोनों को, ठीक है ना। तो 9.8 ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया भी आपको, अब 19.6 मीटर पर सेकंड से चलेगी लगभग। तो आप क्या देख रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, फर्स्ट सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से चलती थी और सेकंड सेकंड के एंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 19.6, अगले सेकंड फिर से बढ़ेगी 9.8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, नहीं। तो इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज, किस रेट से चेंज हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है। ओके, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, तो वही चीज है। यहां पर भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए एक एक्सेलरेशन आएगा, और उस एक्सेलरेशन का हमने स्पेशल नाम रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नोट कर लीजिए इसको, वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट इट इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, बट इट इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। यहां पे ध्यान से देखिए, इट किसके लिए लगाया है, वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से क्या होती है, बढ़ती है, मतलब वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज। तो वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि देयर विल बी अ एक्सेलरेशन, ठीक है ना, देयरफॉर there will be an acceleration, okay, there will be an acceleration, and this acceleration is same for all the bodies, note kar lijiyega, this acceleration is same for all the bodies,
ठीक है। देखिए वैक्यूम में मैंने दो बॉडीज को ऐसा फ्रीली फॉल कराया, जितने इंक्लिनेशन से ये नीचे आएगी उतने इंक्लिनेशन से दोनों का शेप क्या है, डिफरेंट। दोनों का मास क्या है, डिफरेंट। ओके, तो याद रखिए अगर कोई बॉडी आप फ्री फॉल कराएंगे तो वो एक सारी बॉडीज के ऊपर एक ही तरीका का एक्सेलेरेशन होगा, और इस एक्सेलेरेशन को हम कौन से नाम से जानते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, दिस एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम कौन से लेटर से शो करते हैं, स्मॉल जी से। ओके, अब हम इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन बना सकते हैं, द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डेफिनेशन बन जाएगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का देखिए डेफिनेशन क्या होगा। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या बताइए, एक्सेलेरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी का चेंज होना। तो नोट कर लेते हैं, द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ अ द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन ड्यू टू। देखिए बार बार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसे ध्यान दें, एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होना। तो जब कोई फ्रीली फॉलिंग, जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है ऐसे, तो इसका वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होता है उस वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन। और उसका एक स्पेशल नाम दिया गया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एक्सेलेरेशन होता क्या है, याद है आपको क्या पढ़ाया गया था, बताइए एक्सेलेरेशन होता क्या है, वेलोसिटी में चेंज होना। ओके, इंक आ गई भाई, ले गया। ये हो गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उसके बाद इसकी वैल्यूज नोट कर लीजिए, इक्वेटर पे इसकी वैल्यू होती है, अर्थ के इक्वेटर्स पे और पोल्स पे, इक्वेटर पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन है इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रख लीजिए ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर के स्केलर, वेक्टर। ओके, और पोल्स पे इसकी वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली लार्जर होती है इससे, एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए। ओके,
और नोट कर लीजिए, जैसे जैसे आप ये क्लास 11th में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, ओके, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, अर्थ सरफेस के पे थोड़ा हाइट पे आप जाते हैं, या जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं, अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज, चेंज होता है, और क्या होता है चेंज में भी, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज। तो नोट कर लीजिए इसको, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन और एज वी या एट द ऑल्टीट्यूड अबव द सरफेस ऑफ द, ओके, नोट कर लेते हैं, एट द ऑल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस और एट डेप्थ, और एट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस अच्छा इसको कौन से लेटर से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से, बिलो द अर्थ सरफेस जी डिक्रीजेस, नोट कर लीजिएगा जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी डिक्रीजेस और अर्थ के सेंटर पे ये कितना हो जाता है, जीरो, नोट कर लीजिए द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां मैं नोट कर रहा हूं, देखिए द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो, ये आपको याद होना चाहिए, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पे कितनी होती है, जीरो, द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द, ओके। उसके बाद अब हम एक काम करते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशनशिप हम निकालते हैं, ओके, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या है, बताइए, हाँ कैपिटल जी क्या है, फोर्स कहाँ है बेटा, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल, याद रखिएगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशनशिप होता है, वो भी हम निकालने जा रहे हैं, एक चीज याद रखिए, ये चेंज नहीं होता है पूरे यूनिवर्स में कैपिटल जी, लेकिन स्मॉल जी प्लैनेट टू प्लैनेट या यूनिवर्स में आप एक प्लेस टू अनदर प्लेस जाओगे तो स्मॉल जी चेंज होता है, क्यों चेंज होता है आइए देखते हैं, देखिए मान लीजिए कि ध्यान से देखिए, इधर इधर ध्यान से देखिए, ये कोई बॉडी है, फोर्स को देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने के दो स्टाइल है, क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको निकालने के दो स्टाइल है, एक तो कल जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं, ये एक बॉडी है, सपोज ये क्या है अर्थ, और अर्थ के सरफेस पे ये दूसरी बॉडी रखी हुई है, ध्यान दें इधर, अर्थ का मास में क्या अज्यूम कर रहा हूं, कैपिटल एम है, और ये जो बॉडी रखी हुई है इसके सरफेस पे इसका मास क्या अज्यूम कर रहा हूं, स्मॉल एम, ओके, और देखिए अर्थ का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, जरूरी नहीं कि अर्थ को, ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है, ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, एम वन की जगह क्या रख देंगे, स्मॉल एम, और एम टू की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल एम, एम वन एम टू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल है, अर्थ के रेडियस के इक्वल है,
ठीक, एक तो मैंने ये निकाला, एक और भी तो मुझे पता है, फोर्स निकालने का फॉर्मूला याद है। फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। बट अगर ये बॉडी ऐसा अर्थ पे रखी हुई है या फ्रीली फॉल कर रही है तो इस पे कौन सा एक्सेलरेशन लगता है बताइए। अभी अभी किया था हमने, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो इस एक्सेलरेशन को ना लिख के हम यहाँ क्या लिखेंगे, आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू ए, तो ए ना रख के हम क्या रखेंगे यहाँ पे स्मॉल जी। समझ में आया। तो फोर्स को निकालने के कितने स्टाइल हो गए मेरे पास, टू। एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैंने निकाला और दूसरा किससे निकाला, एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू ए से। लेकिन ए नहीं रखेंगे यहाँ, क्या रखेंगे जी, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना लग रहा है इस रखी हुई बॉडी पे, या जब ये फ्रीली फॉल कर रही थी तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा था, स्मॉल जी। अब बताइए ये दोनों फोर्स अलग अलग हैं या इक्वल हैं? क्यों अलग अलग है भाई? मैंने आपको दो क्वेश्चन बोले, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये बॉडी गिर रही है, इसका मास कितना है, स्मॉल एम, ये देखिए स्मॉल एम। ओके, मैंने बोला इस पे जी एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका फोर्स बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू जी, निकाला। बोलने का एक स्टाइल ये, दूसरा सुनो, मैंने बोला इस ये बॉडी ऐसा फ्रीली फॉल कर रही है क्योंकि अर्थ इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या कर रही है, अट्रैक्ट। समझ में आया। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना है, कैपिटल जी एम। एम क्या है, ये मार्कर का मास है, और कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम मार्कर का मास है, और कैपिटल एम किसका है, अर्थ का। तो बताइए दोनों फोर्स अलग अलग हैं क्या, कि एक ही फोर्स है, दोनों फोर्स एक ही है, आपको दिख नहीं रहा है, बस कैलकुलेशन करने का स्टाइल क्या है, डिफरेंट। एक बार एम इंटू ए से निकाला, जो लास्ट चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस पे लगने वाला मैं फोर्स निकाल रहा हूं, इसलिए एक्सेलरेशन, सॉरी, इसलिए मास किसका रखूंगा, इसका। तो इसका मास कितना है, स्मॉल है, छोटी बॉडी का, और इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, स्मॉल जी। अभी अभी पढ़ा था, नहीं समझ में आ रहा है क्या, कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करेगी तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वो लगातार क्या होती है, कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी में जो चेंज होता रहता है, जो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर इसके मास से मैं मल्टीप्लाई लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, इस पे लगने वाला फोर्स, जिसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये पहला स्टाइल था निकालने का। और दूसरा स्टाइल, दूसरे तरीके से मैं निकाल सकता हूं कि इस मार्कर पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, क्या दोनों फोर्स अलग है, नहीं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की तो इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स कैसे हैं, अलग अलग है कि इक्वल है, बताइए, इक्वल है। इसका मतलब मैं इन दोनों फोर्सेस को क्या रख सकता हूँ, इक्वल, ठीक है ना। इसको इक्वेशन बना लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ओके, और अगर आपको लैंग्वेज लिखना हो तो लैंग्वेज लिख लीजिए, इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस, द फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास एम ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस इज गिवन बाय दिस, है ना, बट दिस फोर्स इज इक्वल्स टू that force, both forces are same, तो क्या करेंगे, capital G M M upon R square is equals to M into G। देखिए ये भी marker का mass है और ये भी marker का, दोनों क्या हो जाएंगे, cancel, क्योंकि ये इसके कहाँ जाएगा, नीचे, कोई doubt है इसमें, इधर multiply में इधर आके divide हो जाएगा, तो यहीं पे मैंने cancel कर दिया है, तो देखिए small G की value क्या मिल गई मुझे, capital G M upon R square। ओके, अब यहां से मुझे देख के बताइए कि इसमें से कांस्टेंट कौन है, कैपिटल जी, पूरे यूनिवर्स में वो कांस्टेंट है। देखिए ये कैपिटल एम अर्थ के लिए अलग होगा क्योंकि अर्थ का मास अलग है, सन के लिए ये अलग होगा, मून के लिए ये अलग होगा, सारे प्लैनेट्स के या सारे स्टार्स के रेडियस भी क्या है, अलग अलग है, बस केवल क्या कांस्टेंट है, जी। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 6.67 इनटू 10 टू द पावर -11 होता था, याद है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जी इज, ये कांस्टेंट हटा दूंगा तो प्रोपोर्शनल लगा दूंगा, जी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड जी मास ऑफ द प्लैनेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं,
जी ऑन अ प्लैनेट और सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड रेडियस। ये देखिए आ गया ना, जी ऑन अ प्लैनेट और यू कैन से सैटेलाइट कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है बताइए, वो डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड रेडियस, डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड इट्स रेडियस। ओके समझ में आए। चलिए बताइए मुझे, अगर किसी प्लैनेट का मास ज्यादा है तो बताइए एक्सीलरेशन उस पे ज्यादा होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कम? ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आ रहा है, और रेडियस के वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? मतलब अगर किसी का रेडियस बहुत बड़ा होगा और उसका मास, मास का मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में मास क्या रहा होगा, कम, और रेडियस कैसा है, ज्यादा, तो जी का वैल्यू कैसा आएगा, कम, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जी आर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, आर की पावर वन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए मैंने दो प्लैनेट बनाए, देखिए ये एक प्लैनेट है इसका रेडियस कितना है आर, और एक ये प्लैनेट है इसका रेडियस कितना है टू आर। सपोज दोनों के मास क्या है, सेम। सपोज अब पूछो ये कैसे हो सकता है, मास ऐसे सेम हो सकता है, आप इस तरीके से सोचिए कि आपने ये छोटा सा ऐसे रुई, रुई कॉटन का गोला लिया, ठीक है, और उसी के जस्ट टू टाइम्स रेडियस प्लास्टिक, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, ये वाला जो है सपोज वो कॉटन का गोला है, कॉटन का, रुई का, या किसी हल्के मटेरियल का, फिर से मैंने देखिए गलत बोल दिया, सॉरी, हाँ बड़ा वाला कॉटन का होना चाहिए ऐसे सोच लीजिए, और छोटा वाला किसका है, प्लास्टिक का, भाई दोनों के रेडियस क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों लेकिन मास क्या है, सेम, ज्यादा कॉटन भरा हुआ, तो क्या पता ये भी कितने का हो, 1 किलोग्राम का, और प्लास्टिक 1 किलोग्राम का होगा लेकिन कितनी जगह में आ जाएगा, कम जगह में, तो उसका डेंसिटी कैसा होगा, ज्यादा, क्योंकि रो इज इक्वल टू एम बाय वी। देखिए वॉल्यूम दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, ठीक, कम वॉल्यूम में मास इसका ज्यादा इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसका देखिए ज्यादा वॉल्यूम में मास कम इसलिए डेंसिटी क्या, कम। अब समझ में आया कि जो है अलग अलग जगह में आते हैं लेकिन मास क्या है दोनों का, सेम, हो सकता होगा, पता नहीं कौन से प्लैनेट के अंदर कैसा मटेरियल भरा है, ज्यादा डेंस भरा है या दूर दूर भरा हुआ, ठीक, तो दोनों के मास देखिए सेम हो गए। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर वैल्यू कितनी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो यहाँ पर कितनी होगी, रेडियस पहले बताओ बढ़ गया तो जी घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बोलो, घट जाएगा, कैसे घटेगा, 2r कर दिया, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, 4 होता है और 4 को पलट देंगे, कितना हो जाएगा 1/4, तो यहां अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो यहां कितना हो जाएगा g/4। समझ में आया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, तो याद रखिए अलग अलग प्लैनेट पे वैल्यूज अलग अलग होती है। उसके बाद एक चीज मैं आपको देखिए करके चलिए आज दिखाता हूँ, इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा, और मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं इसको आपको करके भी दिखाता हूँ, और इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। ओके देखिए रिजल्ट में ये निकालने जा रहा हूँ, फॉर्मूला मेरे पास है, देखिए g इज इक्वल्स टू, अब मैं निकालने जा रहा हूँ पहले अर्थ पे, ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, देखिए मैं अर्थ पे निकालने जा रहा हूँ, और वैल्यू आ रहा है मेरा g का वैल्यू मैं रखूंगा 6.67 × 10⁻¹¹, और मास किसका रखूंगा अर्थ का, और अर्थ का मास देखिए मुझे गिवन है 5.96, कल हम लोग ने यहां 6 ले लिया था, 5.96 इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, बट जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 5.69 है × 10⁻²⁴ किलोग्राम, ओके, डिवाइडेड बाय अर्थ का, देखिए रेडियस भी मुझे गिवन है मीटर्स में, 6.37 × 10⁻⁶ मीटर, तो इसका मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर। हाँ देखिए इसको बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब ये पूरा हम कैलकुलेट, ये क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है अर्थ का मास,
अगर अर्थ का मास लिया है और रेडियस अगर अर्थ की ली है तो अर्थ पर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है दिखाता हूं। देखिए जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा होल्ड करिए। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए मैंने जी निकाला कहां पर? मून पर। ये अर्थ पर निकाला है और ये अपने मून पे। मून पे भी कैपिटल जी का वैल्यू कितना होगा? 6.67 into 10 to the power minus 11 into मून का देखिए मास मुझे गिवन है 7.36 into 10 to the power 24 into 10 to the power not 24 it is 22। देखिए इसकी पावर कितनी है? 22 और इसकी कितनी है? 24। और हमको पता है कि अर्थ का मास सन से सॉरी मून से क्या है? ज्यादा है। देखिए देखिए 10 to the power 24 ज्यादा है, ये कम है मास मून का, बट फिर भी। अब रेडियस देखिए मुझे गिवन है 7.36 ओके एंड रेडियस इज 1.75 into 10 to the power 6 मीटर, ओके स्क्वायर। जब इसको से कैलकुलेट करता हूं तो कितना आता है? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां ज्यादा है, मून पे कि अर्थ पे? अर्थ पे। मतलब मैंने इधर देखिए जब मैंने अर्थ पे ऐसे छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी किस रेट से बढ़ेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? बात समझ में आई? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। फ्रीली फॉल मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हमने पढ़ा है। उसके बाद मून पे देखिए, मून पे ऐसे मैंने छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? 1.6 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। आइए जरा रिलेशन निकाल के देखते हैं। मैंने क्या किया अभी अभी देखिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या लगा दूंगा? डिवाइड। LHS को LHS से डिवाइड लगाइए, RHS को RHS से डिवाइड लगाइए, ओके। तो G ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय G ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय G ऑन मून। LHS को LHS से और RHS को RHS से। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड। और यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए अभी इतना टाइम तो नहीं है, ये मैं देखिए इसको फटाफट आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए मैं क्या करने आ रहा हूँ, 9.8 डिवाइडेड बाय 1.6 जब मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है 6.125। कितना मिलता है मुझे? हाँ यहाँ पे लास्ट में देखिए मैं कर दे रहा हूँ आके G ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय G ऑन मून। देखिए कितना मिल रहा है, 6.125 मिल रहा है। 6.125 को मैं लगभग क्या अज्यूम कर सकता हूँ? देखिए approximately equal to मैं क्या assume कर सकता हूँ? 6 कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए बस इसको छुपा लीजिए। 6.1 को लगभग मैं क्या मान सकता हूँ? 6। ये approximately equal to 6 कर लिया मैंने, ठीक है। तो देखिए next step में मैं करने जा रहा हूँ G of earth divided by G on moon। कितना आ गया बताइए? 6। 6/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 6 into g of moon, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 6 into gravitational acceleration on moon is equals to 6 into gravitational acceleration on moon is equals to अर्थ पे जो acceleration due to gravity होता है वो moon के acceleration due to gravity का कितना गुना होता है? लगभग 6। 9.8 1.6 का लगभग कितना गुना है? 6। बात समझ में आई कि नहीं? इसका हम रिजल्ट बाद में यूज करेंगे। इसको मैं अदर वे राउंड देखिए कैसे बोल सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस 6 को मैंने किधर भेज दिया? नीचे। तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। इसको प्लीज याद रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए आप कि एक्सेलरेशन जो मून पे होता है वो अर्थ के एक्सेलरेशन का कितना पार्ट होता है? 1/6। तो बताइए कहां कहां होता है? मून पे।
कितना गुना कम होता है? 1/6 ऑफ द अर्थ। कोई डाउट है? तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।